राग गौड़ी माला महला पंजवा। पहला गौड़ी की जाति सी मालवा, हुण कला माला। गौड़ी के थले एक लिखा होया छोटा जिहा पहली जाति राग गौड़ी माला महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ओंकार केवल इको एक है सतगुरां दी प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्ति है। पायो बाल बुद्ध सुख रे, रे तो भाव है भाई जिहड़ा बालक बुद्धि करके भाव सादे सुभाव करके सुख पाया। बाल हुंदा बालान, बाल वड्डी आत्मा मछैणी बुद्धि करके सुख पाया। मूल अर्थ है कि बालक वाली बुद्धि ठीक है, बच्चे की बुद्धि जही जी होंगी उही जी बुद्धि विच बंदा हर वक्त ही रहे फिर कहने सुखी रहिंदा। ओह किवें हरख सोग हान मिरत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ। जिस वेले पूरे गुरु मिले तो हरख सोग नफा नुकसान मरना जाना दुख सुख ये सारे द्वंद रूप पदार्थ चित विच समसर एक समान हो गए। समसर तो भाव एक समान रहाओ। ये बच्चे नूं भी ऐं हुंदा, बच्चे नूं ना तो हरख खुशी ना गमी ना नुकसान ना मौत ना दुख ना सुख, वो एको जी बिरति च रहिंदा। घर च कुछ भी हो जाए न्याणे नूं की पता, दो साल का न्याणा साल का उहनूं कोई असर नहीं, दो तीन चार साल तक दे भी कोई असर नहीं है क्योंकि उहनूं पता ही नहीं है विचड़ मरना की हुंदा जिउणा की हुंदा नफा नुकसान की हुंदा दुख सुख की हुंदा। वो जिस वेले पूरियां गुरां दे मिलन करके चित विच दुख सुख एक समान हो जाते हैं उस वेले हरख सोग जन्म मरण आदि सारे ही नाश हो जाते हैं। फिर वह बाल बुद्ध हुंदी जिवें आपां गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे सियाणपां, अजकल दे लोक जिहड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब दे मूहरे सियाणे बहुत बन गए। जिन्ना ज्यादा बुद्धि ने काम किया व्याकरणियां ने व्याकरण सिख ली, दूजियां ने पढ़ लिख लिया महाराज ते कलमां ही चक लईआं उन्होंने। उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहिब विच सिक्ख्या कही सी वह कमाउण दी बजाए महाराज नूं कहने लिया तैनू सीधा कर दे पहला कि तू इन्ना नहीं पता, तुहानू महाराज नूं कहने तैनू बिंदी टिप्पी का नहीं ज्ञान, तैनू व्याकरण का नहीं पता, आ पाठ नहीं ठीक लिखा होया, आ बाणी ऐ नहीं ठीक लिखी होई। ज्यों कलमां चक्कियां ते ज्यों अपनियां सियाणपां दीआं पूछां चक्कियां तानू उह सारे जाणे सियाणे बण के गुरु ग्रंथ साहिब तों वो फिर नाम की प्राप्ति तो किसी ने की नहीं। जीवन तो सवारे ही नहीं, अपना जीवन नहीं चंगा है। ईरखा द्वैष नफरत निंदा चुगली बदी बखेली वो तो सारा कुछ उदा ही भरया पिया। खूह चो बिल्ली तो कढ़ी हुई नहीं, पानी कढ़ी जाते ने, बिल्ली खूह चो कढ़ी तां मुश्क हटदा। हौमै इन्नी ज्यादा विद्या की फिर पढ़ाई की हौमै बड़ी असमान नूं लगे फिरते ने, पर जिहड़ी भगती हुंदी भगती नाल बंदे दे अंदर निम्रता आउंदी आ। सेवा नहीं करनी, कदे कोई देखिया भी जोड़े झाड़दा कोई भांडे मांजदा है जां बंदा जिहड़ा बहुता सियाणा बणदा, ओह कदे कदे देखिया वो गुरु ग्रंथ साहिब नूं चौर करदा होवे जां प्रकाश करदा सुखासन करदा। कहोगा किसे ज्ञानी नूं भी तूं कारखां प्रकाशां दा क्यों, इह तां ग्रंथी दा काम आ मेरा नहीं गा। जे भांडे मांजला ना इह वी मेरा काम नहीं, माला फेर ला ना जी नहीं तो संगत ने माला फेरनी असी नहीं। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे वो फिर इस करके वह ताहण ली हवा च हो गया, हंकार च हो गया। हंकार का उन्हूं खुद नहीं ज्ञान हुंदा, लोकी दसदे भी हुण हंकार हो गया। तो महाराज सच्चे पातशाह तो बचाउण, जाओ लौ हौ किछ सोचो जितवां तौ लौ दुखन भरे। जौ लौ हुंदा जिन्ना चिर मैं कुछ सोचदा सोचा सोचदा उन्ना चिर मैं दुखां दे विच ही भरिया पिया सी, दुखी भोगी जांदा सी उदों तक जदों तक मैं सोचां नूं सोची गया। सोचा सोचना हो वई जे सोची लख वार, जदों तक सोची जाओ किहड़ा दुख हट जाणा। सोचण नाल तां दुख नहीं हटदा, फिर दुख हटदा किवें है। जौ किरपाल गुर पूरा भेटिया तौ आनंद सहजे। जिस वेले कृपालू सुभाव वाला पूरा गुरु भेटिया तो पाव मिलिया तो सहजे ही आनंद हो गया, सियाणप नाल कुछ नहीं बनिया। जेती सियाणप कर्म हौ किए तेते बंध परे। जिन्नी कु सियाणप दे कर्म मैं कीते उन्ने ही बंधन पै गए। ताइयों कहिंदे बालक बुद्धि ही ठीक है, गुरु साहब दे मूहरे न्याणे बन जाओ। जिवें असीं देखिया एक नुक्ता हुंदा किसे तों कीर्तन सीखना, किस तो कथा सीखनी, किस तो विद्या सीखनी है,
कोई भी किसी तो गुण लैना तो उसके कोल जाके बिल्कुल ही न्याणे बन जाओ, भी संत पता ही नहीं जी किसी गल का, फिर वह सिखाता। जे उस्ताद नहीं कही जाओ तो आ जी ए नहीं हों ए हों, वह कहना फिर मेरे को करना है, फड़ बाजा अपना तुरदा लागे तो जब तेनों पता ही है गया। उस्ताद मूहरे बोल के मार खानी है, उस्ताद कहना चंगा जा फिर जितों मर्जी सीख ल, कदे भी उस्ताद के अगे बोली दी नहीं बस। हाँ जी संत पता ही नहीं जी न्याणे है जी, हाँ जी वह फिर होर ढलदा, फिर होर कृपा करता, होर दिंदा। जिदन आप कहता मैं आ तो मैनू पता ही है जी, कहने फिर पता ही है फिर इतने की लैना है। हुण जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं कह दईए कि इह तां सानूं पता ही आ, महाराज कहिंदे मेरे कोल की लैणा, फिर तूं बाला ही सियाणा, तां फिर इस तों वी उच्ची पहाड़ी ते जाके बह जा कितें, जे तूं इन्ना सियाणा। सियाणप नाल ही मनुख डुब्बिया, जदों डुब्बिया दुनिया कहिंदी साइंस आ गई, साइंस देखियो तां सही की करदी है, इह सियाणप नहीं हैगी इहनां कोले। जे मैं कहां वी किसे कोल सियाणप है, सियाणप इक वक्खरी चीज़ हुंदी है, सोझी इक वक्खरी चीज़ हुंदी है। मनुख ने मनुख का घाण करना ही सीखिया साइंस नाल, मनुख नूं मारना ही सीखिया इन्होंने, इस करके इहनूं सियाणप नहीं कहा जांदा। सियाणप तां सी जे सारी दुनिया च शांति हो जांदी, सब लोग टिक के बैठदे, अपने आनंद माणदे, मनुखा जन्म की सोझी हो जाती, ज्ञान हो जाता, एक दूजे दे असीं सहायक मित्र बनदे, एक दूजे नूं असीं सुख दिंदे। मनुख तो एक दूजे को दुख देने लगे हुए ने, तो यह कहदी सियाणप होई। सतगुरु कहिंदे हुण जे अपने गुरु साहब दे अगे तुसीं सियाणप दिखाउंदे हो आके, उन्ने ही तुहानूं बंधन पैंदे ने। सियाणप छड्ड दिओ जां मैं अणजाण बन जाओ। महाराज अगे सच्चे पातशाह कहिंदे ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाणा, सार ना जाणा तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। जदों कहांगे महाराज जी असीं तां बिल्कुल ही अणजाण है, सानूं तां कुछ नहीं आउंदा जी, फिर सच्चे पातशाह बहुत खुश हुंदे वी किन्नी निम्रता। तो जदों आपां कहीए महाराज इह तां मैनूं आउंदा, फिर सतगुरु कहिंदे भाई इह तां हले बहुत ही पिछे बैठा बेचारा, बाला ही कंगाल जिहा होया बैठा। जौ साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए। जिस वेले संतां ने मेरे मस्तक ते हथ रख्या ना सिर ते, उस वक्त कर धरियो हथ रख्या तां असीं मुक्त होए। कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख विदारियो, मेरा हीर रतन नाम हर बसया, गुरहाथ धरो मेरा माथा, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा। गुरु साहब सिर ते हथ रखणगे तां आपां मुक्त होणा, कोई सियाणप नहीं चलदी, सब सियाणपां छड के महाराज कहिंदे वाहिगुरु वाहिगुरु करी जा, इसे च ही भला होना तेरा। तू छड दे अपनियां सियाणपां, ना करिया कर सियाणपां, डुब जाएगा सियाणपां नाल। सतगुरु बार बार कहने सियाणपा ना करो, क्योंकि सियाणप नाल जे कोई बंदा तरदा हुंदा, हरनाक्ष थोड़ा सियाणा सी, उहदे वर्गा कौन सियाणा, रावण वर्गा कौन सियाणा सी। रावण ऐ तां सी कमला तां नहीं सीगा, उहो चार वेदां दा टीका कीता रावण ने, रावण बहुत विद्वान सी। जदों रामचंद्र जी ने रावण नूं तीर मार के मारता, कुछ सवास उहदे बाकी सीगे हले, रामचंद्र जी कहण लगे लक्ष्मण नूं, लक्ष्मण जा रावण कोलों राजनीति सिख ला, बह जाओ कोले। वह कहिंदे भ्राता जी ये इन्ना पापी, कहिंदे नहीं ये करमी है, जैसी ये सियाणा बहुत है, कहिंदे जा सिख ला। रावण ने जांदे जांदे लक्ष्मण जी नूं नीति सिखाई सी राज दी, सियाणा तो बहुत सी, सियाणी तो हुण सारी दुनिया बहुत है। अज किते सियाणियां दी कमी है, सारे ही सियाणे है, पढ़े लिखे ने, पर यह सियाणप ही बंदे नूं मार दिंदी है, क्योंकि यह सियाणप कोरी करारी है। यह भगती तो बिना जिहड़ी सियाणप, भगत बिना बहु डूबे सियाने, सहज सियाणप लख होए तां इक ना चलै नाल। तो सतगुरु कह रहे तुसीं समझ के कोशिश करो, सियाणप होर चीज हुंदी है, भगती अलग गल हुंदी है। सियाणप ना करो ज्यादा गुरां दे नाल, भगती करो, सियाणप छड के एक पासे रख दिओ। भगती तो बिना उत्ते सियाणप प्रवान नहीं है सचखंड विच, पर लोक विच सियाणप नूं कोई नहीं मनदा, उत्थे तो यह देखदे ने इहदे कोल नाम दान किन्ना, भगती किन्नी कीती ने, उत्थे हुण सियाणप नहीं देखणी किसे ने। इत्थे तुसीं किते सियाणा करोड़ां गुणे सियाणा बंदा दुकान ते जाके कहे कि मैं बहुत सियाणा बंदा,
ਤੇ $10,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਸਿਆਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸੋ ਮਹਾਨ ਸੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੌਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਤਰੇ, ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗੱਠ ਬੰਨ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਠ ਚ ਬੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਤਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਤਰੇ ਤਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 5 ਰੁਪਈਏ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਘੋੜੇ ਨੇ ਘਾਹ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਬੈਠ। ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲ ਮੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਮਾਈਕ ਮੂਹਰੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਮਿਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਣੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ 4 ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਆਣਪ ਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਮ ਹੋ ਕੀਏ ਤੇਤੇ ਬੰਧ ਪਰੇ, ਜੋ ਸਾਧੂ ਕਰ ਮਸਤਕ ਧਰਿਓ ਤਬ ਹਮ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਓ ਲੋ ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਕਰਤੋ ਤੋ ਲੋ ਬਿਖ ਘੇਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੋ ਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਿਖ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘੇਰੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ, ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪੀ ਠਾਕੁਰ ਕਹੋ ਤਬ ਹਮ ਸਹਿਜ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਤਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤਨ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪੀ ਠਾਕੁਰ ਕਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਤ ਜੇਰ ਯੁੱਤ ਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਜਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕਹਿ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੱਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡੇਂਗਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਓ ਲੋ ਪੋਟ ਉਠਾਈ ਚੱਲਿਆ ਤੋ ਲੋ ਡਾਨ ਭਰੇ, ਜਾਓ ਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਗਤਾ ਰੂਪੀ ਪੋਟ ਹੁੰਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਉਠਾਈ ਚੱਲਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦਾ ਡੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਦੰਦ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ
किसे ने बताया आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी। सुखमनी साहब च महाराज लिखिया होया सुखमनी साहब का पाठ काली च ना करो आराम नाल करो फिर वह सिक्ख्या बहुत दिंदा। महाराज कहने फिर सौखा किवें होया ओट डार गुर पूरा मिलिया तो नानक निरभय। सतगुरु कथन करते जिस वेले पूरा गुरु ब्रह्म नेष्ठी ब्रह्म स्रोती मिलिया उन्होंने सहायता नाल फिर हंगता रूपी पंड नूं सुट दिता तां जमा दे डर तो फिर रहत हो गए फिर कृपा होई है। गौड़ी माला महला पंजवा ये भी गौड़ी की जाति है माला पहला भी माला ही आया सी महला पंजवा पंजवें पातशाह महाराज फरमाउंदे ने पावन त्याग्यो री त्याग्यो त्यागो मैं गुरमिल त्याग्यो कहिंदे री तो पावे सखी द्वैष भावना जो त्यागने योग सी उहनूं मैं गुरां नाल मिलके त्याग दिता फिर उहदे त्याग नूं भी त्याग दिता पावन त्याग्यो री त्यागो मैं गुरमिल त्यागो। त्याग पद चार ने इस करके चारां युगां नाल इहदा संबंध जे जोड़िए तो सतयुग विच गुरमुखां ने गुरां नाल मिलके दुबधा की भावना नूं त्यागिया त्रेते विच गुरमुखां ने गुरां नाल मिलके दुबधा त्यागी भावना छड़ दित्ती द्वापर विच गुरमुख जगियासुआं ने गुरां नाल मिलके दुबधा की भावना नूं त्यागिया कलयुग दे विच भी गुरां नाल मिलके दुबधा की भावना नूं त्यागिया। कहिंदे इह सखी जिन्हां गुरां ने त्यागने योग द्वैष भावना नूं त्यागिया उहनां गुरू दे साडे ने त्यागिया उन्हां गुरां नाल मिलके मैं भी त्यागने योग द्वैष भावना नूं त्याग दिता अंतकरण करके मैं दुबधा की भावना नूं त्यागिया मैं दुबधा छड्ड ही दित्ती। सर्ब सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ हुण मैं गोबिंद की आग्ञा नूं मन्निया क्योंकि गोबिंद की आग्ञा विच सारे ही सुख आनंद ने मंगल ते रस ने रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने 215 अंग ते मान अभिमान दो समाने मस्तक डार गुर पागे गुरां दे पागे हुंदा पागे तो पाव चरना पर मस्तक डार सिर रख के मान ते अभिमान जिहड़े अपमान सीगे दोहां नूं इक समान ही निश्चय कर लिया मान ते अपमान इक्को जे जान ले दोनों मान अभिमान दो समाने मस्तक डार गुर पागे ए मैं इक्को जे जान ले मैं तेरी कृपा ही है सारी तेरा ही है सब कुछ वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाना संपत हरख न आपत दुखा रंग ठाकुर लागे ठाकुर का परमेश्वर का यह जहा प्रेम लग्या जिस करके संपदा की प्राप्ति विच ना तो खुशी हुंदी है ते आपत हुंदी विपता आपदा आपत इत्थे तत्ते नाल है विपता काल विच दुख ही नहीं हुंदा हुण आई जाओ जाई जाओ कोई फर्क नहीं पैंदा मन नूं बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टा गयो बास हुंदा मंदरां विच ते बासरी हुंदा मंदरां विच रहण वाले मनुखां विच एक स्वामी परमेश्वर है अते उद्यान हुंदा उजाड़ां जंगलां विच उही नजर आउंदा हुण दृष्टा गयो जिस वेले एक स्वामी की प्राप्ति की भगती रूप वासना मन दे अंदर वसी तां उजाड़ विच भी संसार विच ही सारे नजर आ गया निरभउ भए संत भ्रम डारियो पूर्ण सरबाग्यो संतां ने उपदेश दे के भरम दूर करता ते सबना विचों वाहिगुरु पूर्ण व्यापक नजर आ गया इसलिए असी भौ तो रहत हो गए जो किश करता है कारण कीनो मन बुरो न लागे हुण करते पुरख वाहिगुरु ने जो कुछ भी कार्ज किया हुण मन नूं बुरा नहीं लगता क्योंकि संतां ने उपदेश दे के मेरा भरम दूर करता सारिआं विच तो बैठा मैनूं नजर आ गया असी भय तो रहत हो गए हैं साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागेओ सतसंगत विच जाण करके संतां दी कृपा नाल मेरा सुत्ता होया मन जिहड़ा भजन सिमरन विच ज्ञान जागृत विच जाग पिया ज्ञान जागृत अवस्था विच जागण करके बंदगी कर रहा मन जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो शरणाग्यो महाराज कथन करदे ने मैं सेवक जनता आपदी शरण विच आ के आपदी ओड़ हुंदी ओट विच पिया तो जो जन आपकी ओढ़ शरण में पिया है ओढ़ का अर्थ हुंदा शरण इत्थे मैं उहदी शरण में आया हाँ जिहड़ा तुहाडी शरण में पिया मैं उहदी शरण में पै गया नाम रंग सहज रस माणे फिर दुख न लागेओ नाम दे प्रेम करके सहज रस माणे आत्म रस नूं भोगिया इसलिए मुड़ के दुख नहीं लगता हुण गुरु साहब की कृपा हो गई है हुण कोई किसी प्रकार का दुख नहीं इस अवस्था विच आपां जाण लई भगती दी लोड़ है
ਪਾਈਓ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਰੋ ਪਾਠ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ 160 ਸ਼ਬਦ 215 ਅੰਗ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Wow.